यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कुछ दिन पहले मैंने सरोजिनी नगर मार्केट की एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, जो कि मैंने बताया था कि मैं वीकेंड पे गई थी। और वीकेंड पे जाने की वजह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप एक बार वीकेंड पे तो आप ये चीज़ जान लें कि अगर मार्केटिंग करनी है, शॉपिंग करनी है, तो वीकेंड पे बिल्कुल भी ना जाए। जो गलती मैंने की वो गलती आप बिल्कुल भी ना करें, बहुत भीड़ होती है। तो खैर, जो भी मैंने सामान लिया था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, चलते हैं देखते हैं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी। तो सरोजिनी नगर का एक रूल है, आप अगर सरोजिनी नगर जा रहे हैं या लाजपत मार्केट जा रहे हैं, तो आप ज़रूर से एक थैला अपने घर से लेके जाए। थैला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो भी सामान मिलते हैं वो एक पॉलीथीन में मिलते हैं, और पॉलीथीन का ये ढेर लग जाता है। जब हम सामान खरीदना शुरू करते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते हैं कि हम क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, बस लेते जाते हैं। तो उससे सामान हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा उसको कैरी करने में मुश्किल होती है। तो घर से आप एक थैला लेके जाएं। अगर आप घर से एक थैला लेके नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ पे 100-150 रुपीज़ में बहुत अच्छे अच्छे थैले मिल जाते हैं। तो थैला होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सरोजनी या लाजपत की शॉपिंग कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। तो पहला मेरा ये है, पहला मैंने लिया है, पहला सामान मेरा ये है कि मैंने ये अपने बेबी के लिए स्वेटर लिया है, एक कार्डिगन लिया है छोटा सा, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा मुझे, बहुत सॉफ्ट था। दूसरा ये जो मैंने लिया लॉन्ग कार्डिगन स्वेटर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये मुझे मिला सिर्फ 200 रुपीज़ में। 200 में इतना ज़बरदस्त तो कहीं नहीं मिल सकता, सिर्फ और सिर्फ सरोजनी में ही मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इस पर वर्क भी बहुत अच्छा है, और बिल्कुल फिनिशिंग है इसमें, बस 200 में मुझे मिला और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये। मैं अपने इसके बाद मैंने मेरा दूसरा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मीन्स मेरा दूसरा शॉपिंग, दूसरी शॉपिंग ये है कि मैंने यहाँ पे लिया डेनिम जैकेट। अच्छा, डेनिम जैकेट बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे मिलते हैं, काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन के भी मिलते हैं, बट मुझे ये वाला पसंद आया, और थोड़ा ढीला भी है तो बहुत कंफर्टेबल है, तो मैंने इस तरीके का लिया। और इसके ऊपर जो वर्क है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो ये मुझे पसंद आई, तो इसलिए मैंने ले लिया। और ये आई थिंक 200 का है, यस 200 या 250 का है। दूसरा मैंने फिर अपने बेबी के लिए ही लिया, वहाँ पे ऐसे जैकेट्स, ऐसे हुडी बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, और बहुत ही सॉफ्ट है, इसका जो फैब्रिक है ये बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत दूसरे टाइप की है, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी अपने बेबी के लिए, तो मैंने ले ली। यहाँ पे देखिए दो पॉकेट है, अगर आपको भी अपने बेबी के लिए लेना है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, मुझे बहुत पसंद आया। ये 250 का था, 250 का था। इसके बाद मैंने लिया पिजामाज। अच्छा, विंटर के ना वहाँ पे पिजामाज बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, तो मैंने पिछली बार भी लिया था और इस बार भी लिया, काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी लंबा चलते हैं। तो ये वहाँ पे आपको कॉमन है, हर स्टॉल पे मिल जाएगा आपको, हर आपको 10 कदम के अंदर में ना 2 स्टॉल ऐसे मिल जाएंगे, तो ये मैंने लिए है। अच्छा, इसके रेट भी ना अलग अलग होते हैं, कहीं पे आपको 200 में मिलेगा, कहीं पे आपको 100 में, कहीं पे 150 में। अच्छा, तो अगर तीन प्राइस है तो तीनों की क्वालिटी भी थोड़ी अलग अलग है, तो ये मेरा है 150 वाला, पर अच्छी है। इसके बाद मैंने एक और पजामा लिया है, वो है इस टाइप का, इसका फैब्रिक थोड़ा सा उससे अलग है, ये वेलवेटी टाइप की है, पर ये भी बहुत अच्छी है और बहुत सॉफ्ट है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं इस तरीके का है। तो ये मुझे मिला है 200 में, और मैं इसे पहनूंगी कुर्ती पे। आप अपने कंफर्टेबल, आप किसी पे भी पहन सकते हैं, आप टी शर्ट पे पहन सकते हैं, विंटर में ऐसे पजामाज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप भी बाय करें और आप देख लें, आपको जिस तरीके का पसंद आता है उस तरीके का ले सकते हैं आप। इसके बाद क्या है, शॉपिंग तो मेरी कुछ हुई नहीं ज़्यादा, तो वहाँ पे इस तरीके के फॉइल पेपर मिल रहे थे, वो एक छोटा सा बच्चा था बेचारा, बिल्कुल एकदम ले लो आंटी, ले लो आंटी या ले लो आंटी कर करके, तो उसने बताया ये 150 रुपये के 3। मैंने कहा भाई 50 रुपीज़ में देना है दे दो, नहीं आंटी 100 रुपीज़ दे दो, 80 रुपीज़ दे दो, मैंने भाई 50 में से ज़्यादा नहीं दूंगी, अच्छा ले लो। तो मतलब कि मुझे 3 फॉइल पेपर के इस तरह से 50 रुपीज़ में मिल गए हैं, अच्छी है, पर इसकी ना उतना ज़्यादा नहीं अच्छा होता है। इसके बाद मुझे लेना था मेन विंटर के चप्पल, जो स्लीपर होते हैं वो लेना था, ये वुलन स्लीपर हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो ये घर में पहनने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो इस तरीके का मैंने स्लीपर लिया है। इसके प्राइस मुझे
एक के प्राइस मुझे 150 बता रहे थे, पर मैंने कहा नहीं, मैं 50 से 1 रुपया आगे नहीं दूंगी। तो फिर बस 2-3 मिनट बार्गेनिंग करने के बाद वो बिल्कुल अच्छे से मान जाते, कहते ले लो, मैंने ले लिया। तो इस तरीके से मैंने 2 स्लीपर लिया। तो क्या है कि आपको सरोजनी नगर में ना बहुत ही ज़्यादा बार्गेनिंग चलती है, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग चलती है। अगर आप सरोजनी नगर में शॉपिंग कर रहे हैं तो अगर आपको 150 का सामान कोई बता रहा है तो आप डायरेक्ट उसका 1/3 कर दें, 50 कर दें, सामान आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने 100 में 2 ले लिए, 2 जोड़ी चप्पल ले ली। इसके बाद मेरा जो है, इसके बाद मैंने एक ब्लैक शीट ली। ये ब्लैक बोर्ड का काम करता है, बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह से आप हैंग कर दें और इस पे बच्चे चौक से अपने मनपसंद की स्केच कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये अंकल ने बताया था 150, और मैंने आपको बताया ना कि आप डायरेक्ट 50 कर दो, तो मैंने 50 कर दिया। अंकल तुरंत तैयार हो गए देने के लिए। इस पे चौक से लिखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। इसके बाद क्या है, मैंने 2 शेड्स लिए हैं। तो एक मैंने अपने बेबी के लिए लिए हैं और एक मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिए हैं। तो ये इस तरीके से ये शेड है, और ये मुझे मिला सिर्फ 100 रुपीज़ में। 250 का बोला था लेकिन वो 100 में देने को तैयार हो गया, तो मैंने ले लिया। और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ये ना, समर में ना बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल हूँ। तो ये है मेरा, मेरे बेबी के लिए है ये सेकंड शेड, ये भी मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने आपको उस वीडियो में दिखाई थी 50-50 रुपीज़ में हर चीज़ मिल रही थी, हर प्रोडक्ट मिल रहा था। तो मैंने यहाँ पे फुट मसाजर के लिए, फुट स्क्रब के लिए मैंने यहाँ पे 50 रुपीज़ के ये स्क्रबर लिए हैं। ये भी बहुत अच्छे हैं, इसमें 4 साइड है और 4 स्टेप टाइप के हैं। मैं यूज़ करूँगी तो बताऊँगी। वैसे इसमें ब्रश है, जूना है, और पता नहीं क्या क्या उसको कहते हैं, मुझे उतना आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। इसके बाद मैंने शॉपिंग की, नेक्स्ट मैंने लिया है, अगर सरोजनी नगर जा रहे हैं और आप झूले की शॉपिंग नहीं करते ना, तो लड़कियों का जो होता है ना शॉपिंग, वो पूरा नहीं होता है। तो वहाँ पे इस तरह के बहुत ही ज़्यादा ऐसे हुक टाइप के मिल रहे थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। वैसे मैं इस तरह की इयरिंग नहीं पहनती हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मैंने ले लिए बस 30 रुपीज़ में। और ये इस तरह के ऑक्सीडाइज वाले भी थे जो मुझे मिले सिर्फ 30 रुपीज़ में, तो सॉरी 50 रुपीज़ में, तो मैंने ये वाले भी ले लिए। ये देखिए कितना प्रिटी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है आपको ये कुर्ती उर्ती पे बहुत ही ज़्यादा। ये है मेरा नेक्स्ट ज्वेलरी, जो कि है ये कड़े बाले झुमकी लगे हुए, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जबकि ये ट्रेंड से आउट हो चुके हैं, फिर भी 50 रुपीज़ में दे रहे थे तो मैंने ले लिए। तो ये है मेरी सरोजनी नगर की थोड़ी सी शॉपिंग, जो मैंने फर्स्ट टाइम इतनी कम शॉपिंग की, वहाँ जाके भीड़ होने की वजह से शॉपिंग बिल्कुल नहीं कर पाई। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे।